31 अगस्त यानी 31 अगस्त 2020 को लॉन्च होने वाला है इंडिया में फर्स्ट टाइम 4G हैंडसेट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हैंडसेट खरीदने के लिए सोचते हैं और आप सोचते हैं कि मैं मेक इन इंडिया का हैंडसेट खरीदूंगी, तो आपको कौन सा हैंडसेट खरीदना है और नया फोन कौन सा आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 अगस्त 2020 को लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में पहली बार 5G फोन्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 5G एंड्रॉइड फोन्स। इस फोन यानी कौन सा कंपनी का वो फोन है और इसका फीचर्स क्या है, क्या वो जो चाइनीज का फोन है उसको टेक अप कर पाएगा या इसको टेक कर दे पाएगा या नहीं, तो इसी के लिए मैं आज आपको जो डिटेल्स जो 31 अगस्त को जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो 31 अगस्त को जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है वो है नोकिया 8.3 5G स्मार्टफोन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मोबाइल का फीचर्स बहुत ही, क्योंकि मैं इसमें 31 अगस्त को नोकिया 5G का जो फोन है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च करने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानना है और इसका फीचर्स और इसका कॉन्फिगरेशन क्या है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आपको जरूर एंड तक देखना होगा। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान, यानी आप सभी को मेरे इस चैनल में हार्दिक। तो इस फोन में आपका 2 टाइप्स इंटरनल शॉर्टेज टाइप मिल जाएगा आपको, यानी आपका नोकिया 8.5G जो आपका मोबाइल्स है यानी एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन, और इसका फीचर्स आपको देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका 2 स्टोरेज में मिल जाएगा, एक है आपका 6GB to 64GB, यानी 6GB आपका रैम होगा और 64GB आपका इंटरनल शॉर्टेज होगा, और आपका जैसे कि 8GB होगा और 8GB में आपका 128GB आपका इंटरनल शॉर्टेज होगा। तो आप सोच रहे इसका फ़ोन के जो स्टार्टिंग प्राइस है वो कितना होगा, जैसे आपका जो फास्ट आपका 6GB to 64GB रैम यानी इसका जो होगा, इसका प्राइस लगभग आपका 40,000 आपको, मैं आपको इस फ़ोन आपको ये परचेस आप कर पाएंगे, यानी 40,000 में आपका जो नोकिया का 5G फोन है वो आप 6GB रैम के साथ और 64GB आपका इंटरनल शॉर्टेज के साथ आपको मिल जाएगा, और आपका जो 8GB रैम और 128GB जो आपका इंटरनल शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज में आपको जो इंटरनल और रैम के चलते हुए इसका कीमत आपका लगभग 53,000 रुपीज़ पड़ जाएगा। और इस फीचर्स में, अगर इस मोबाइल का फीचर्स है, इस फीचर्स में जैसे कि आपका कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, तो इस मोबाइल में आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन दिया गया है कि इस मोबाइल का वाईफाई एंड ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही पावरफुल होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी रियलमी एंड ओप्पो फ़ोन को हम यूज़ करते हैं तो उसका जो वाईफाई कनेक्शन का कनेक्टिविटी का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि उसका जो वाईफाई कनेक्शन है वो ज़्यादा कैच अप नहीं कर पाता है। मगर अभी हम पहले अगर सैमसंग का यूज़ करते हैं मोबाइल, तो आप देख पाएंगे कि सैमसंग का मोबाइल में वाईफाई का कनेक्शन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी होता है इसका। तो इसके चलते आपका जो चाइनीज फोन है जैसे रियलमी, आपका ओप्पो हो गया, कुछ भी फोन चाइनीज का है, उसमें आपका ब्लूटूथ एंड आपका जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, और इसके चलते उसका कनेक्शन उसका ज़्यादा अच्छा उसके फीचर्स नहीं हो पाता था। तो अब बढ़ जाए इसका जो डिस्प्ले का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका डिस्प्ले कैसा होगा और कितने इंच का होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नोकिया 8.3 5G का जो फ़ोन है उसका डिस्प्ले अगर आपको देखा जाए, इसका 6.3 आपका इंच का डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 6.3 इंच डिस्प्ले जिसमें सबसे बड़ा है मोबाइल माना जाएगा, क्योंकि 5G फोन्स में आपका इस तरह का डिस्प्ले कभी किसी मोबाइल में नहीं है। अभी आता बात आता है कि आपका जो इस मोबाइल का जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले का फीचर्स क्या है। इस डिस्प्ले का फीचर्स जैसे कि इसमें आपका जो गोरिल्ला ग्लासेस रहता है,
कि इसका टूटने से भी गिरने से भी नहीं टूटेगा। जे फ्रेंड इसके फीचर्स ही सेम वही है, इसका जो डिस्प्ले है डिस्प्ले का फीचर्स में कुछ बढ़ाया नहीं है, जैसे कि नॉर्मल फ़ोन में होता है सैमसंग पहले का जो नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन है उसी की तरह वो सेम ही है। जैसे कि अभी हम इंटरनल शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है हम लोगों को 128 GB भी कम होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फुल HD वीडियोस एंड मूवीज स्टोरेज करते हैं, इसलिए क्या होता है कि हम लोग इसमें जो इंटरनल शॉर्टेज हम फुल हो जाता है और हम एक्सटर्नल फॉर्टेज यूज़ करना चाहते हैं। जी फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें ऐसा भी है आप अनलिमिटेड जो आपका माइक्रो HD कार्ड है वो लगा सकते हैं, यानी आप अगर इंटरनल शॉर्टेज आपके पास 128 GB है तो आप इसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर HD कार्ड अवेलेबल। नेक्स्ट आता है आपका कैमरा का। जी फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात है कैमरा, जो आपका वाइड एंगल रियर कैमरा बैक कैमरा, क्योंकि अभी कैमरा का ज़माना है, क्योंकि हम फोटो में ज़्यादा कैमरा में ध्यान देता है कस्टमर्स, तो इसका कैमरा का फीचर्स क्या होगा। जैसे कि इसके कैमरा का फीचर्स आपका टू जो इंटरनल शॉर्टेज का है आपका 8 GB और 6 GB का दोनों में कैमरा सेम मिलने वाला है। जैसे कि आपका फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 24 MP का और बैक कैमरा आपको मिल जाएगा 64 MP का। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है आपका जो बैक कैमरा में आपको 3 स्टेप का कैमरा लगा हुआ रहेगा, जैसे कि वाइड एंगल लेंस एंड सेंसर लेंस, आपको ऐसे 3 लेंस लगा हुआ रहेगा। इस 3 लेंस में जैसे कि आपका 12 MP का आपका वाइड एंगल लेंस रहेगा और आपका 64 GB का आपका 64 MP का आपका रियर कैमरा लगा हुआ रहेगा। और इस कैमरा का फीचर्स अगर फोटो की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा फोटो आने वाला है इस कैमरे से। और अब महत्वपूर्ण बात आता है बैटरी कैपेसिटी की। जी फ्रेंड्स किसी भी एंड्रॉइड सेट को हम जब भी यूज़ करते हैं तो उसका जो एंड्रॉइड सेट है उसके बैटरी हम लोग लगभग 1 दिन से ज़्यादा नहीं चला पाते, बार बार हमको चार्ज करना पड़ता है ज़्यादा यूज करने से। मगर आप इस एंड्रॉइड फ़ोन का यानी 5G फ़ोन में आप क्या कर सकते हैं, यानी इसका बैटरी फीचर्स क्या है और इसका मेगापिक्सल कितनी यानी इसका जो MAH कितना है। जी फ्रेंड्स इस नोकिया 8.35G का जो आपका बैटरी कैपेसिटी है उसका है आपका 4500 mAh का बैटरी, यानी 4500 का बैटरी आपके लिए इनफ है, क्योंकि अभी किसी भी मोबाइल में आपका ज़्यादातर एंड्रॉइड फ़ोन में 3000 का mAh का बैटरी लगा हुआ रहता है, इसमें आपका 1500 का आपका जो mAh है वो बढ़ाया गया है और आप इसमें चार्ज के लिए कोई टेंशन लेना नहीं होगा, क्योंकि आपको एक दिन के लिए बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा यानी इतना डिटेल्स सुनने के बाद अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार क्या करो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए रोज़ाना एक यानी नया नया फीचर्स को जो अपडेट मोबाइल आपके लिए लॉन्च होता रहता है, और आप बहुत सारा आपका जो इंटरनल सॉरी किसी भी जो आपका ऑनलाइन बारे में हो किसी के बारे में हो और कुछ भी वीडियो हो आपको मिलने वाला है टेक्नोलॉजी टाइप का। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मेरे नेक्स्ट वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले।